हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऋतिक रोशन का स्केच बनाने वाला हूं और इसका आउटलाइनिंग मैं पहले से ड्रॉ करके रखा हूं। इसका आउटलाइनिंग ड्रॉ करने में मुझे करीब 30 मिनट लगा है और इस स्केच में मैं जो टूल्स यूज करने वाला हूँ वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ मैं कौन कौन सा टूल्स यूज करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल मैं स्पेशली हेयर में यूज करूँगा और ये है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। ये तीन आता है, सॉफ्ट, हार्ड और मीडियम। ये है मीडियम चारकोल पेंसिल और ये है हार्ड चारकोल पेंसिल। इसे सिर्फ मैं हेयर ड्रॉ करने के लिए यूज करूँगा ये तीन चारकोल पेंसिल, क्योंकि इससे हेयर काफ़ी अच्छे से ड्रॉ होता है। ये है मोनो जीरो इरेजर, ये मैं हाईलाइट एरिया को शो करने के लिए यूज करूँगा, इरेज करने के लिए। और ये है ब्लेंडिंग स्टम्प, इसे मैं ब्लेंड करने के लिए यूज करूँगा, स्मॉल एरिया के लिए और लार्ज एरिया के लिए। ये है ग्राफाइट पेंसिल, ये छः आता है, पाँच भी आता है, आप जो ग्राफाइट पेंसिल लीजिएगा, किसी में छः देता है, किसी में पाँच देता है। तो इसमें मैं 2B यूज करूँगा, 4B, 6B और 1HB। ये है ब्रश, ये इससे मैं हेयर ब्लेंड करूँगा, स्पेशली हेयर ब्लेंडिंग में मैं यूज करूँगा ये। इसका मैं पहले से दो वीडियो डाल रखा हूँ, आइस का और फेस का, आइस का पार्ट 1 और फेस का पार्ट 2 के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अगर देखना चाहते हैं कि हम ये शेडिंग आइस में या फेस में कैसे किए हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं, इसलिए मैं इधर वीडियो थोड़ा फास्ट रखा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुँच सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, फेस का शेडिंग कंप्लीट होने को चला है। फ्रेंड्स, पहले मैं यहाँ पे मीडियम चारकोल पेंसिल यूज करके पहला लेयर कंप्लीट करूँगा, क्योंकि अगर पहले ही अगर मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज करूँ तो हेयर रियलिस्टिक नहीं बन पाएगा। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं हम हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा रहे हैं, बस जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में आप स्ट्रोक लगाएं और काफ़ी हल्का प्रेशर में लगाएं, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है। और जिस जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में आप स्ट्रोक लगाते जाएं। अब एक बार में भी अगर आप चाहेंगे कि पूरा जो हेयर है जितना लंबा में उतना लंबा अगर एक बार में लगा दो तो आपको वैसा भी नहीं करना, आपको पहले थोड़ा पार्ट में शेडिंग करना है, स्ट्रोक लगाना, फिर आप उससे आगे लगाएं। देख रहे हैं जैसे मैं लगा रहा हूँ, मैं एक बार में पूरा एक हेयर का लंबाई में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, उसको पार्ट पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है अगर आप करते हैं स्केच या तो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ किया हूँ, पहला लेयर कंप्लीट हो गया तो उसको ब्लेंडिंग करने के लिए। वो भी आपको ज़्यादा प्रेशर लगा के ब्रश नहीं चलाना है, हल्का प्रेशर में ब्रश चलाना है। तो फ्रेंड्स, पहला लेयर कंप्लीट हो गया है, अब मैं दूसरा लेयर जो है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल उसको यूज कर रहा हूँ, चूँकि मुझे अब दूसरे लेयर में ही डार्क करना है। आप चाहते तो तीन लेयर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे दूसरे ही लेयर में डार्क करना है, इसलिए मैं दूसरे लेयर में ही सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज किया हूँ। तो फ्रेंड्स, दूसरा लेयर भी कंप्लीट हो गया है और ये भी पूरा नहीं हुआ कंप्लीट, सिर्फ ऊपर का पार्ट हुआ है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं
मोनो जीरो रेज़र यूज़ करके वो जो हाईलाइट एरिया है वाइट, उसको वाइट कर रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है हाईलाइट पोर्शन, क्योंकि इससे हमारा जो हेयर है वो थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। तो फ्रेंड्स, हाईलाइट भी कर लिए हैं ऊपर का पोर्शन, और कहीं कहीं अगर मुझे फ़ोटो के अकॉर्डिंग अगर लगेगा कि हाँ यहाँ मुझे हाईलाइट करना है या मुझे और शेडिंग करना है, तो वो मैं उस बाद में करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब नीचे के एरिया में मैं हेयर को डार्क कर रहा हूँ। बस जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक लगाना है और कुछ नहीं करना रहता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको देखें, क्योंकि पूरा हेयर में बस मैं वही किया हूँ, एक बार पहले शेडिंग कर लिया हूँ मीडियम चारकोल पेंसिल से, और दूसरे बार में मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से उसको हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा रहा हूँ। और वो जब स्ट्रोक लग जा रहा है, जब मैं उसको शेडिंग कर ले रहा हूँ, तो फिर उसको मैं ब्लेंडिंग करके फिर जो डार्क एरिया उसको मैं डार्क कर रहा हूँ, और जहाँ पे हाईलाइट एरिया उसको मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इरेजर से उसको इरेज कर रहा हूँ। बस पूरा वीडियो में मैं बस ये तीन ही चीज़ कर रहा हूँ। तो आप फ्रेंड्स, पूरा वीडियो को देखें। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुँच सके सबसे पहले।